मॉर्निंग में जिम अगर हम जाएं और हमें क्या प्री वर्कआउट में लेना चाहिए, नेचुरल, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना हमें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स वाला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट्स खरीदते टाइम का काफी काम आने वाले हैं। तो आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर जिसे मुझे लगा कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, वो सवाल है, वो क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग में जिम अगर हम जाएं और हमें क्या प्री वर्कआउट में लेना चाहिए, नेचुरल, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना हमें। तो दोस्तों नो डाउट, ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्री वर्कआउट में कोई सप्लीमेंट ना लेकर नेचुरल पर फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेस हमारा नेचुरल डाइट ही रहने वाली है। सप्लीमेंटेशन भी आप ले सकते हैं बट सपोर्ट पर्पज से। तो यहां पर जो है मैं पूरी सप्लीमेंट्स वाला फैमिली को बताना चाहूंगा कि ऐसी कौन से ऑप्शन है आपके पास नेचुरल डाइट में जिनको आप अगर मॉर्निंग में जिम जाते हैं उनको लेना चाहिए आपको। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट जो है प्री वर्कआउट मील्स बता देता हूं जो आप इजीली जो अवेलेबल हैं, जिनको आप जो है ले सकते हैं जिम जाने से पहले, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका जो सर्दियों का मौसम है उसमें शकरकंदी। जी हां दोस्तों, स्वीट पोटैटो जो है एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलेंगे आपको। दूसरे नंबर पर मैं कहूंगा कि आप कहेंगे ड्राई फ्रूट्स, जो कि स्वीट पोटैटो से भी ज्यादा इजीली है अवेलेबल, क्योंकि स्वीट पोटैटो को तो फिर भी थोड़ा पकाना भूनना इस टाइप में करना पड़ता है क्योंकि कच्चा उसे नहीं खा सकते, बट ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीज है जो इजीली जो है आपने ली और वो खा ली, जिसमें आप थोड़ा किशमिश भी रखें, काजू भी हो गए, बादाम भी हो गए, एक आध उसमें अखरोट ऐड कर लें, इस हिसाब से आप जो है मिक्स ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें। तीसरे नंबर पर आपके पास अवेलेबल है सबसे अच्छा, सबसे इजीली अवेलेबल, मतलब जहां अगर घर से भी ले जाना भूल जाए तो वो आपको रास्ते में कहीं भी मिल जाएगी, वो है बनाना। जी हां दोस्तों, केला भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास अगर आप जिम जाने से पहले कुछ लेना चाहते हैं, बाय चांस घर से भी भूल जाएं, आप खा के आना जल्दी जल्दी में आ जाएं, क्योंकि काफी बार हो जाता है, तो आप जो है प्यार से उसको जो है कहीं भी वो जो है आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो है केले के ठेले जो है वो सुबह भी जो है इजीली मिल जाते हैं। चौथे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है स्प्राउट्स, जो है आप ले सकते हैं। स्प्राउट्स में मतलब जो है अंकुरित जो आपके जो है दालें हो गई हैं, अंकुरित चने हो गए, मतलब इस तरह से मिक्स जो है स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, अंकुरित जो आपका अनाज है वो आप कह सकते हैं, उसे आप ले सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको पूरे जो है फाइबर्स मिल जाते हैं उसमें। तो ये चौथे नंबर का ऑप्शन हो गया है। यहां पर दोस्तों आपके पास पांचवें नंबर का ऑप्शन है आलू। जी हाँ दोस्तों, आलू जो कि मतलब जिसका कोई सीजन नहीं है वो आपको जो है पूरे साल मिलते हैं, उबले हुए आलू आप ले सकते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। यहां पर छठे नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका ब्राउन ब्रेड पीनट बटर के साथ, इस टाइप में आप ले सकते हैं। आप नॉर्मल जो है आप रोटी भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोटी भी जो है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, और उस रोटी में जो है मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वो रोटी लेते हैं तो उसमें आपका जो है गेहूं, चने, जो मतलब इस तरीके से जो है पूरा मिक्स जो कह सकते हैं 5 grains multi-grains आटा आपका होना चाहिए, ताकि आपको वो अच्छे तरह से जो है फाइबर भी मिल जाए, डाइजेस्ट भी इजीली हो जाए और आपको कोई नुकसान भी ना हो। तो ये जो है कुछ इजीली अवेलेबल मैंने आपको बड़े सस्ते जो है सोर्सेज बता दिए हैं एक्सरसाइज करने से पहले। अब दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं कि यार यही सोर्स हमें क्यों लेने हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सोर्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इसमें भी आपको जो है कह सकते हैं कि स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स मिलेंगे, और ये आपको एक्सरसाइज करने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट का इसमें आपको गैप मिनिमम रखना है, बाकी आप आधे घंटे का गैप रखें तो बहुत अच्छी बात है। तो जो है हमारी बॉडी के लिए जो बेसिक जो नीड है एनर्जी की वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है, तो इसलिए हमको जो है कार्ब्स जरूर लोड करने चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले। अब क्वांटिटी इनकी दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। बाकी एक चीज मैं बता दूं कि ज्यादा जो है आप ना खा लें, पता लगे कि आप जिम जाने से पहले जो है चार चार शकरकंदी ले ली, आपने जो है तीन तीन चार चार केले खा लिए, तो वो भी चीज गलत है। आप जो है एक आइडियल क्वांटिटी लें अपने डाइजेशन के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और हाँ अपने बॉडी गोल के हिसाब से भी। अब किसी का बॉडी गोल है वेट लॉस का और वो 3 केले खा के जाएगा तो वेट लॉस गोल में उसको कैलोरीज मैनेज करने में काफी दिक्कत आएगी। तो अपनी क्वांटिटी जो है आप डिसाइड कीजिए। अगर किसी का गेनिंग का गोल है तो वो जो है 2 केले खा सकता है, किसी का वेट लॉस का गोल है तो उसको हाफ या 1 banana जो है लेना चाहिए, इस हिसाब से जो है क्वांटिटी। बट कार्ब्स लोड हमें जरूर करने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के पास जो बेसिक नीड है, जो बेसिक सोर्स है एनर्जी का, वो कार्ब्स
कार्ब्स ही हैं और हमको कार्ब्स लोड जरूर करने चाहिए और फैट बर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक बड़ा रोल होता है। तो इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स आप जरूर लें ताकि आपको एनर्जी भी आती रहे, वर्कआउट भी अच्छा लगे और जो है आपका पूरा ध्यान रहे, अपने वर्कआउट पर ज्यादा थके ना आप, तो सारी जो है पॉजिटिव आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सारे सोर्स इसीलिए अवेलेबल हैं, नेचुरल हैं, तो आप इनको यूज कीजिए और अच्छे रिजल्ट्स लीजिए। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, फिट रहिए और दोस्तों फेक माफिया से बचिए। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स लोगों याद रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में सिर्फ नहीं, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बचे फेक माफिया से। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स मिला। नमस्ते।